मीडिया के सभी साथियों का धन्यवाद, और हो सकता है 2 घंटे बाद फिर आपसे मुलाकात हो, क्योंकि 2 जिम्मेदार साथी जिनको आना था वो सफर की वजह से नहीं पहुंच पाए। तो मुझे उम्मीद है कि हो सकता है 2 घंटे बाद फिर आपसे मुलाकात होगी। दूसरा, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। अब से 2 दिन पहले मेरठ में हमने एक गठबंधन का ऐलान किया था, और जैसे वो गठबंधन की सूचना आगे बढ़ी तो बाकी साथियों को भी ये विश्वास हुआ कि अब सामाजिक न्याय का जो मोर्चा बना है उस मोर्चे में हम लोग भी शामिल होके और अपने साथियों के साथ खड़े होके इस आंदोलन को आगे बढ़ा सकते हैं। और आज सामाजिक परिवर्तन मोर्चा जो है इस नाम से अपने सभी साथियों को साथ लेके हमने ये गठबंधन बनाया है। मैं इसमें जो पार्टियां प्रमुख रूप से शामिल हुई हैं, क्योंकि उन सबके नाम लेने बहुत जरूरी है, तो मैं इसकी सूचना आपके माध्यम से दे रहा हूं। मैं एक बात और बता दूं कि भाई अब समुद्र में नहीं कूदना है, छोटे छोटी नदियों को इकट्ठा करके समुद्र बनना है। तो बड़े दलों से गठबंधन के अनुभव बहुत खराब थे, लेकिन हम जैसे सताए गए लोग जिनको धोखा मिला है उनसे गठबंधन के जो अनुभव है बहुत अच्छे होने जा रहे हैं, क्योंकि ये सब लोग बेचारे सत्ता परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं, ना कि व्यक्तिगत लड़ाई लड़ रहे हैं कि उनको मुख्यमंत्री बनना। तो इसलिए लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी, आजाद समाज पार्टी, भारतीय वीर दल, न्याय पार्टी, पिछड़ा समाज पार्टी, दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस, सम्यक पार्टी, सर्वजन लोक शक्ति पार्टी, हरित क्रांति पार्टी, मजदूर किसान यूनियन पार्टी, वंचित समाज इंसाफ पार्टी, पथिक जनशक्ति पार्टी, अखिल भारतीय गरीब पार्टी, भारतीय सर्वोदय क्रांति पार्टी, राष्ट्रीय कृषक दल, इंडियन नेशनल लीग, राष्ट्रीय जनवादी सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय सबका दल, अखिल भारतीय गरीब पार्टी, समदर्शी समाज पार्टी, अखंड समाज पार्टी, अभय समाज पार्टी, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय जन सम्मान पार्टी, न्याय पार्टी, मुस्लिम मजलिस, भारतीय एकता मंच, वोटर पार्टी, राष्ट्रीय उदय पार्टी, किसान दल और गरीब स्वराज पार्टी। एक पार्टी जिनका मैंने जिक्र किया कि वो जब आ जाएंगे तभी मैं उनकी बात आप लोगों के बीच में रखूंगा, दल है ये, हमारा संयुक्त मोर्चा है जिसके जरिए हम उत्तर प्रदेश में विकल्प देंगे। अब आजाद जी, ये जो मुस्लिम ये लगभग 30 पार्टियां, ये ओबीसी जी की पार्टी है या कोई और है? नहीं, मैं अपनी बात पहले रख दूं, फिर आप सब लोग अपने सवाल हैं। तो मैं आपके जानकारी के लिए भी बता दूं कि ये उत्तर प्रदेश है और हमने जो गठबंधन बनाया है ये एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों का है, और इस गठबंधन का ये सब लोग वो लोग हैं जिनको नजरअंदाज तो किया गया लेकिन इन्होंने जमीन पे काम किया है। जैसे बाबूराम पाल जी हमारे साथ हैं, ये भागीदारी संकल्प मोर्चा में थे, ये भी जो है आज हमारे साथ हैं। मैं किस कारणों से हैं वो बाबूराम पाल जी अपने आप बता देंगे। और हमारे साथ राजकुमार सैनी जी हैं, पूर्व एमपी, और बघेल साहब हैं, और तमाम जो लोग हैं, क्योंकि मैं ज्यादा अब तो साथ में रहेंगे, हम लोग पूरा उत्तर प्रदेश घूमेंगे, इनकी सीटों पे जहां जहां लड़ेंगे वहां जाके इनको चुनाव लड़ाएंगे, और ये सब लोग मिलकर भी मुझे गोरखपुर लड़ाने आएंगे। गोरखपुर की तैयारी पूरी हो गई है, गोरखपुर में आज हमारी शाम में वर्चुअल मीटिंग है, जितने सारे बूथ हैं अगले 3 दिन में बूथ कमेटी आ जाएंगी पूरी तैयार होके, तो वर्चुअल मीटिंग है। और मैं इसी हफ्ते में जो नया हफ्ता शुरू होगा उसी हफ्ते में गोरखपुर कूच करूंगा। तो जैसा मैंने आपको बताया कि भाई जनता को वोट देनी है और जनता को विकल्प की जरूरत, जो पुराने दल, में आप सभी की बात करूंगा, जो पुरानी पार्टी है वो सब सत्ता में रही और जनता ने उनको इसलिए बदला क्योंकि वो बुनियादी काम नहीं कर पाई। जनता ने 5 साल के बाद ये महसूस किया कि भाई इन्होंने तो हमें ठगा है, अब इनकी जरूरत हमें नहीं है। तो दूसरी बात जो अति महत्वपूर्ण है कि हमने जो मैनिफेस्टो बनाया है तो इन साथियों के आने के बाद उसमें भी कुछ थोड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि इनके क्षेत्रों के मुद्दे भी उसमें जोड़ने पड़ेंगे। नहीं, मैं चाहता हूं वो सदन में जाएं तो मैं उनके खिलाफ प्रत्याशी नहीं उतारूंगा, और मैं गठबंधन के साथियों से अनुमति लूंगा कि उनके खिलाफ प्रत्याशी ना उतारूं। शेखर जी, गोरखपुर से अगर सपा अपना प्रत्याशी उतारता है योगी जी का, तो आप बैठेंगे या लड़ेंगे? मैं बैठने का काम तो करता ही नहीं। पिछली बार हुआ गया था जब मैं प्रधानमंत्री जी के खिलाफ लड़ने गया माननीय काशीराम साहब को आदर्श मान के, तो बहन जी ने एक ट्वीट कर दिया था, मैं बहन जी का बहुत सम्मान करता हूँ लेकिन उनके नीतियों के खिलाफ,
जिस तरह से उन्होंने बीजेपी को वॉकओवर दिया है उसका नुकसान बहुजन समाज को उठाना पड़ेगा। मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले ये स्पष्ट करूं कि ना मैं अखिलेश जी का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन आप ये सोचिए क्या अखिलेश जी को चुनाव के बाद कोई छू सकता है या बहन जी को छू सकता है? नाम छूने देंगे, लेकिन जो आम पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो आम गरीब वर्ग के लोग हैं, आम जो दलित समाज के लोग हैं, उनको जो 5 साल सहना पड़ेगा इनकी गलतियों की वजह से, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उनके साथ जो अन्याय होगा, सरकार करेगी भर्ती में घोटाले और हक मांगने पर लाठियों से पीटेगी, तो उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं नेताओं से ज्यादा उस समाज की चिंता कर रहा हूं, अपने अति पिछड़े पिछड़े समाज की, दलित, शोषित, वंचित, मुस्लिम और जो अन्य धार्मिक लोग हैं, उन भाइयों की बात कर रहा हूं, उन परिवारों की बात कर रहा हूं जिन्होंने अन्याय सहा और आज की व्यवस्था में न्याय न मिलने के कारण वो बेचारे खून के आंसू पी के बैठ गए इस सारे से कि कुदरत उनको न्याय देगी। तो बदलना पड़ेगा, ऐसी भ्रष्ट राजनीति में हम लोग काम नहीं करना चाहते और ये परिवर्तन का समय है। 21वीं सदी डॉक्टर अम्बेडकर कह गए थे कि वो हमारी है, इस देश के ताकतवर होने का समय है। बीजेपी ने इस देश को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से और बांटने का काम किया है, इसलिए उनके खिलाफ ये मोर्चा विकल्प बनेगा और मेरा विश्वास है कि अगले 4 से 5 दिन में जब हम जमीन पर उतरेंगे तो आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा, क्योंकि वोट जनता को देगी। आप सभी, आप बस मात्र इतना बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो बीजेपी के सबसे ताकतवर नेता है, तो विपक्ष ने सबसे ताकतवर नेता कौन सा उतारा है उनके खिलाफ? मैं तो चाहता हूं, मैं तो सम्मान करता हूं अखिलेश जी का, बड़े भाई हैं, मैं सम्मान करता हूं, बहन जी का भी सम्मान करता हूं, उनमें से कोई हिम्मत दिखाए वहां जाकर उनके खिलाफ लड़े और अगर नहीं लड़ सकते हैं तो उनको वॉकआउट देने का काम ना करें। तो फिर भी मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि वो अपने अपने प्रत्याशी को उतारें और हम जनता के भरोसे जाएंगे और हम लड़ेंगे। मैं भी मानता हूं बीजेपी ने ऐसे काम किए, लेकिन बात यह है कि बीजेपी के खिलाफ जो लोग हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी कारण से मुझसे, जैसे मैंने कहा जाति बड़ा फैक्टर है, हो सकता है मुझे वोट देना ना पसंद करे, लेकिन वहां के जो काय समाज के लोग हैं, जो जिनकी एक हिस्सेदारी हुआ करती थी, पंडित जो है वो लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे प्रधानमंत्री रहे, आज वो समाज हासिब है। उनको जब मुख्य सचिव बनने की बारी आती है तो डेपुटेशन हो जाता दिल्ली से, मुख्यमंत्री को भी नहीं पता होता। तो मैं समझता हूं हमारे जो बनिए भाई जो शूद्र वर्ण में ही आते हैं, जिनको जो बेचारे सताए गए, ये तमाम जो बड़ी बड़ी जातियां वहां, और फिर ये पूरा बहुजन समाज, दलित, पिछड़े, आदिवासी, माइनॉरिटी के लोग, ये लोग जिन्होंने मुझे लड़ते हुए देखा वो मेरी मदद करेंगे, और वो माए जिन्होंने इस सरकार का तांडव देखा अपने आंदोलन पे जो माननीय काशीराम साहब ने तय किया, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय पे कायम हूं, यही लड़ाई तो मेरी भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने वो बहुजन समाज पार्टी से थी, उन्होंने सारा जो कार्यभार है वो सतीश चंद्र मिश्रा जी को सौंप दिया, और सतीश चंद्र मिश्रा जी अगर इस लड़ाई को, सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे तो हमारे जैसे लोग क्या करेंगे? तो मैंने ये बताया कि हम अपने दल से नहीं लड़ाएंगे, अगर क्योंकि गठबंधन धर्म का सम्मान करना है, अगर हमारा कोई और साथी लड़ाएगा तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि मेरी किसी जातिगत लड़ाई नहीं है। अब मैं उन लोगों के हाथ में सत्ता चाहता हूं जिन लोगों को, क्योंकि माननीय काशीराम साहब का जिनका दल होगा उनका बल होगा और जिन पे बल होगा उनकी समस्याओं का हल होगा। तो जब हमारी समस्याओं का हल कोई दूसरा नहीं कर रहा है, जिन समस्याओं, जैसे जाति से हमें समस्या है, जाति के आधार पर हम तोड़े गए, आज जाति के आधार पर हम भाईचारा बना रहे हैं, जाति के आधार पर जो हमें, हमारे साथ एट्रोसिटी होती है, शोषण होता है, जाति के आधार पर हमें अपमानित किया जाता है, तो इससे अगर किसी को समस्या है तो हमें, तो इसका निराकरण कौन करेगा? हम करेंगे। तो अगर गठबंधन धर्म निभाने के लिए गठबंधन के साथियों के साथ खड़ा होना पड़ा तो मैं उसका सम्मान करूंगा, क्योंकि मैं सभी का सम्मान करता हूँ, सभी धर्मों का, सभी जातियों का। हर खबर पर होगी आपकी पकड़, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विद्रोही आनंद को और बेल आइकॉन दबाना न भूलिए।